नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग मई 2023 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, इसके पहले जितने भी आपके मंथ हो चुके हैं तो उन सभी का जो हमने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। आपको आगे भी इसी तरीके से सारे मंथ का आपको जो है करंट अफेयर का वीडियो मिलता रहेगा। और देखिए, हमने इक्विवेलेंट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको प्रीवियस 1 ईयर का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। वो जो है आपका हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, जैसे कि आपको पहले ही प्रोवाइड हमने किया हुआ है, उसी तरीके से जो है आपको ये भी मिल जाएगा। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला आपका यहाँ पर है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, हाल ही में जो है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया गया हुआ है। तो देखिए, ये जो है अमिताभ कांत के द्वारा ये लिखा गया है, जो कि ये पहले ये सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS में और साथ में जो नीति आयोग के CEO के रूप में भी जो है ये कार्यरत है अभी। तो देखिए, ये जो है इम्पोर्टेंट है, आपका पूछा जाता है क्वेश्चन आपका बुक्स एंड जैसे भी बुक्स एंड ऑथर्स कराते हैं तो क्वेश्चन आपका उससे आता ही है करेंट से। तो ये जो है लिखा गया आपका अमिताभ कांत के द्वारा, जो कि CEO ही रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो देखिए, जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जो है, तो यह दक्षिण कोरिया में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और देखिए, टूर्नामेंट जो है आपका ये 27 जून से 30 जून तक ये बुसान दक्षिण कोरिया में जो है आयोजन इसका किया जाएगा। और भारत जो है पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जो है डिफेंडिंग चैंपियन ये रह चुका है। नेक्स्ट देखिए कि भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो देखिए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, तो इन्होंने जो है भारत के सबसे सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का जो है इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। तो ये जो है चेन्नई में है और इसका देखिए ऊंचाई लंबाई की बात करें तो ये जो है 570 मीटर, ये जो है इतना मीटर ये ऊंचाई है इसकी, और चौड़ाई है 4.2 मीटर। तो देखिए, जो स्काई वॉक ब्रिज है तो यह जो है मामबलम रेलवे स्टेशन और साथ में जो टी नगर बस टर्मिनल है उनको ये जोड़ेगा, जो कि यात्रियों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कनेक्शन प्रदान ये करता है। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य ने जो है देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है? तो देखिए, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, तो इन्होंने जो है देश के पहले सुशासन नियमों को जो है इन्होंने मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, तो इन्होंने देखिए राज्य में जैसे कि प्रशासन में जवाबदेही, पहुंच, गतिशीलता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है देश में पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए, मध्य प्रदेश जो है तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला ये देश का जो है पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने जो है इसका जैसे कि इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक्चुअली ये किया गया है यहाँ पर, ये कि इन्होंने देखिए इस योजना का उद्देश्य है कि जैसे बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ हवाई यात्रा से आसानी से उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा देश जो है 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो देखिए, भारत जो है 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करेगा। तो देखिए, इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है क्वाड जो शिखर सम्मेलन 2023 में हुई थी, तो उन्होंने जो है इसमें किया था। और देखिए, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है जैसे कि ये जो क्वाड है आपका, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें आमतौर पर क्वाड के रूप में जैसे कि जाना आता है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है ये रणनीतिक सुरक्षा संवाद है। तो इसका मेनली उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करके और उनके जलवायु लचीलेपन को मजबूत करने में ये मदद करना है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है ट्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की? तो देखिए, हाल ही में जो है राजस्थान ने, आप लोग ठीक कर रहे हैं इसको, राजस्थान ने जो है जैव विविधता की रक्षा के लिए ट्री एम्बुलेंस सेवा एक मिशन में इन्होंने जो है शुरुआत इसकी की है। क्योंकि तो देखिए, यहाँ पे जो है 5,000 से भी अधिक पेड़ लगाए गए हैं और वाहन की मदद से भी देखभाल इनकी की जा रही है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ट्री एम्बुलेंस सेवा स्पेशल शुरू की गई है राजस्थान में।
नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की। तो देखिए मई 2023 में जो है झारखंड के जो पलामू टाइगर रिजर्व है, तो इसमें देखिए जनगणना के हिस्से के रूप में हाथियों के डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू हो गई है। और देखिए इसमें जो दलमा जो वन जीव अभयारण्य है, साथ में पलामू टाइगर रिजर्व है, तो इसमें भी देखिए हाथियों की गणना की जाएगी। नेक्स्ट देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है। तो देखिए हाल ही में जो है मनोज सोनी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में जो है इनको इस पद पे जो है अधिकरण किया गया है, शपथ लिए दिया गया हुआ है। और देखिए इसके पहले जो है ये सोनी कुलपति के रूप में जो है 3 बार ये सेवा दे चुके हैं। नेक्स्ट देखिए कि नेपाल ने किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है। तो देखिए नेपाल ने जो है अब पर्यटन उद्योग के बहाली में सहायता के लिए वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में जो इन्होंने नामित किया है। तो देखिए यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने जो है जैसे कि यहाँ अब विक्रम संवत कैलेंडर के रूप में 2080 के दशक को नेपाल भ्रमक देश के रूप में मान्यता दी जाएगी। और नेपाल के जो सांस्कृतिक मूल्य है तो उनको बढ़ावा देने में योगदान देने के लिए विदेशी नागरिकों का जो विशेष सम्मान यानी कि जो समर माथा स्पेशल ऑनर से भी सम्मानित किया जाएगा, ये जो पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है इसमें। नेक्स्ट देखिए कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है तो इसके लिए एक्जियम स्पेस के जो निजी मिशन है तो उसके रूप में रेहाना बरनावी अंतरिक्ष में जो है ये जाने वाली पहली अरब महिला ये जो है अंतरिक्ष यात्री ये बनी है। तो देखिए ये जो है सितंबर 1988 में सऊदी अरब के जिद्दा में जन्मी अब बरनावी जो है तो एक बायोमेडिकल शोधकर्ता भी है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य बन गया है। तो देखिए केरल जो है अब भारत का जो कि एक दक्षिणी राज्य है तो खुद को जो है देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित करके जो है इसने इतिहास रचने के लिए तैयार है। तो देखिए भारत में जैसे कि पहले पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का इसने जो है पहले ही निर्माण इसने कर लिया हुआ है। इसके साथ में केरल ने जो है राज्य को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से जो है उपलब्धि इसने हासिल की है। और इसके साथ में देखिए साक्षरता का दर और साथ में जो है जो होता है जेंडर इक्वलिटी का तो ये भी जो है मेंटेन किया हुआ है केरल राज्य। तो हर चीज में केरल जो है अव्वल आ रहा है। तो इसी चलते ई गवर्नेंस के रूप में जैसे कि ये जो है अभी ये पूरी तरीके से अपना ई गवर्नेंस के रूप में सारी चीज़ों को अपना लिया है इसने, तो ये जो इतिहास इसने रच दिया है। तो ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए कि खबरों में जो है जुगलबंदी देखने को मिला है तो यह एक क्या है। तो देखिए खबरों में जो है एक टर्म था आपका जुगलबंदी, तो ये देखने को मिला था। तो ये देखिए ये जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैट बॉट है। तो देखिए इसका जो है माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए जैसे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट जुगलबंदी इसने जो है पेश किया हुआ है। और ये जो है AI4 भारत की ओर से ग्रामीण भारत के लिए एक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायक है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस के जो रीजनिंग मॉडल है उसका उपयोग करके सरकार संबंधित ये एक पहल है। नेक्स्ट देखिए कि मई 2023 में फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है जैसे इसको बोलते हैं हम लोग सेवेलियर डे ला लीजन डी होनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए एन चंद्रशेखरन को जो है मई 2023 में फ्रांस का जो सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है तो ये सर इसको इनको नवाजा गया हुआ है। और देखिए ये जो है टाटा सन्स के ये टाटा सन्स के जो अध्यक्ष एन चंद्रशेखर जो कि भारत के हैं और साथ में जो है जैसे कि इन्होंने फ्रांस के बीच में जो है व्यापार संबंधों को मजबूत किया था, तो उनका जो योगदान रहा है व्यापार में जैसे कि यह संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस ने जो है अपना जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तो उससे जो है इनको नवाजा गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो देखिए हाल ही में जो है G7 का शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के जो कि प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा, तो इन्होंने जो है हिरोशिमा में G7 का शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया था। नेक्स्ट देखिए कि WHO द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस बीमारी को अब जो है वैश्विक व स्वास्थ्य आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि
जैसे मंकी पॉक्स और साथ में जो कोरोना वायरस है कोविड-19, तो ये दोनों जो है अब स्वास्थ्य आपातकालीन ये नहीं है। जैसे कि इन दोनों का आउटब्रेक बहुत ही तेज़ी से, जैसे खासकर कोविड-19 जो है ये काफ़ी तेज़ी से फैला था पूरे विश्व भर में, उसके बाद मंकी पॉक्स ने जो है अपना असर दिखाया था। तो अब WHO ने जो है इनको जैसे कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन से दूर इनको कर दिया, यानी कि इन्होंने जो है इसको अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित नहीं किया हुआ है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग दोनों याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि फ्लू हॉर्स हाल ही में समाचारों में देखा गया था, तो यह क्या है? तो देखिए फ्लू हॉर्स जो है, जो कि हाल ही में यह समाचारों में देखा गया था, तो यह जो है एंड्रॉयड में ये खोजा गया हुआ है कि एक मालवेयर है। तो देखिए ये जो है जैसे कि अभी एंड्रॉयड फोन का काफ़ी तरीके से विस्तार हुआ है, तो ये जो है मालवेयर पाया गया जिसका नाम है फ्लू हॉर्स। तो ये जो है एक आपको जैसे कि आप लोग ईमेल जो ओपन करते हो आप लोग, तो उसके द्वारा ये फैलने वाला होता है, उसके चलते ये फैल सकता है आपके मोबाइल में, ईमेल के माध्यम से ये वितरित किया जाता है। और जैसे कि ये आपका क्रेडेंशियल जो होते हैं, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स होते हैं, और साथ में जो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कोड जो आपके होते हैं, और भी बहुत सारे जो संवेदनशील जानकारी जो होती है, उन सब को ये चुरा सकता है। और अगर ये जैसे कि आपको मोबाइल में ये रहेगा लंबे समय तक बिना पहचान के भी ये आपका रह सकता है, आपको पता भी ये नहीं चलेगा। तो आपको देखिए अगर लगता है कि जैसे अगर आप इससे संक्रमित हो चुके हैं, तो आपको अगर इस तरह का ऐप अगर दिखे फ्लूवर्स का, तो आपको इसको तुरंत अनइंस्टॉल करना चाहिए और आपको पासवर्ड भी बदलना चाहिए। अब जैसे इसको बचाने के लिए कुछ उपाय भी दिए गए हैं कि आप फ्लूवर से कैसे आप बच सकते हैं, तो आपको जैसे कि कोई भी ईमेल अगर आता है, तो आप लोग जो है उस पर लिंक पे क्लिक ना करें। कोई भी अगर जैसे कोई अनवांटेड ईमेल्स अगर आते हैं आपका, तो उस पर आप क्लिक ना करें। और जैसे कि आपका अगर फ्लूहर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऐप्स अगर है, तो उसको अप टू डेट रखें और सुरक्षा ऐप का उपयोग आप लोग करें। नेक्स्ट देखिए, मई 2023 में ट्विटर के नए CEO के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में जो है ट्विटर का नए CEO के रूप में जो है लिंडा यकारिनो को जो है नियुक्त किया गया हुआ है। और इसके पहले देखिए एलन मस्क, जिन्होंने कि ट्विटर कंपनी को खरीद लिया था, तो वो इस पे CEO पद पे बने हुए थे, लेकिन अब जो है इन्होंने इसका कार्यभार जो है लिंडा यकारिनो को दे दिया है। और यह जो है मुख्य रूप से बिजनेस ऑपरेशंस पर फोकस करेगी, जबकि मस्क जैसे वो ऑलरेडी जैसे CEO का रिजिग्नेशन दे दिया है, तो वो जो है प्रोडक्ट डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी पर वो ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में जो है IPS अधिकारी प्रवीण सूद, इनको जो है CBI का अगला निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है। और ये जो है कर्नाटक पुलिस के, जैसे पुलिस कर्नाटक का जो पुलिस महानिदेशक जो होते हैं, तो उसके रूप में ये कार्यरत भी हैं ये। नेक्स्ट देखिए कि फ्रांस में आयोजित 2023 बैलिस्टिक डे परेड के लिए माननीय मुख्य अतिथि कौन बनने जा रहे हैं? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ये फ्रांस की जो पारंपरिक जो सैन्य परेड जो होती है, तो उसमें देखिए सम्मानित अतिथि ये होंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये 14 जुलाई 2023 को बैलिस्टिक दिवस के दौरान जो है आयोजित फ्रांस की पारंपरिक जो सैन्य परेड होते हैं, तो उसमें देखिए सम्मानित अतिथि के रूप में जो है फ्रांस के राष्ट्रपति एमलन मैक्रोन के निमंत्रण को जो इन्होंने स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट देखिए कि किस भारतीय राज्य में जो है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है? तो देखिए असम में जो है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। तो ये आप लोग याद रखना, क्वेश्चन आपका जब भी कोई देश का पहला से रिलेटेड अगर रहता है, तो उससे क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। नेक्स्ट देखिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जो है निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया था? तो देखिए हाल ही में जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 का जो है आंकड़ा यह जारी किया गया था, तो यहाँ पे देखिए अंतिम स्थान पूछा गया किसने, तो इसमें देखिए उत्तर कोरिया जो है सबसे लास्ट में आया है। यानी कि जैसे इसमें लिस्ट निकाली जाती है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये निकाला जाता है, जो कि 2002 से जो है ये प्रकाशन कर रहा है इसका। तो इसमें देखिए टोटल 180 देशों को, जैसे मीडिया की स्वतंत्रता का स्तर को ये मापता है, उसके हिसाब से जो है रैंकिंग जारी करता है। तो उत्तर कोरिया इसमें जो है इसमें सबसे लास्ट में इसका जो है रैंक आया हुआ है। और जैसे कि ये पत्रकारिता को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर को ये मापता है, न कि पत्रकारिता की गुणवत्ता को।
तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे लास्ट में उत्तर कोरिया है तो इसमें देखिए फर्स्ट और इंडिया का भी रैंक आपसे पूछा है, तो फर्स्ट नंबर पे है इसमें नॉर्वे है, और इंडिया जो है 180 देशों में से इस बार का जो रैंकिंग है इसमें 161वें नंबर पे है। और इसके पहले देखिए 2022 का जो आंकड़ा आया था तो भारत इसमें 150वें स्थान पर है, जो कि अब ये और अंक फिसल के नीचे हो चुका है। और पाकिस्तान की बात करें तो उसको देखिए 150वां स्थान पे रखा गया है। नेक्स्ट देखिए कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 किसने जीती, तो देखिए लुका ब्रेसल्स ने जो है मई 2023 में, जैसे कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो ये जो है इसका खिताब इसने जीता हुआ है। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीतने के लिए और लुका ब्रेसल्स जो है इन्होंने मार्क सेल्बी को हराया था। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो है विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, तो देखिए भारतीय मूल के जो कि अमेरिकी नागरिक है अजय बंगा, तो इनको जो है विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और यह देखिए जो है मास्टर कार्ड के पूर्व CEO भी रह चुके हैं, और जैसे कि अध्यक्ष के रूप में 5 साल का ये पूरा कार्यकाल ये करेंगे विश्व बैंक का, और इसके पहले जो है डेविड मालपास जो किए थे तो इसका ये स्थान ये इन्होंने लिया है। तो ये तो थे आपके मई 2023 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और देखिए आपको इसी तरीके से आगे भी आपके जितने भी मंथ होंगे उन सब का जो है आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा। और हमने देखिए करंट अफेयर का जो है PDF भी तैयार कर दिया है, आपको हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में आपको ये मिल जाएंगे, जैसा कि आपको पहले भी हमने प्रोवाइड करता हुआ आया हुआ है। तो इसमें आपको पूरे कंप्लीट 1 ईयर का जो है 1 वर्ष का आपको पूरे मिल जाएंगे। तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।